ये कैमरा सामने लगा हुआ है, ये माइक सामने लगा है। पाकिस्तान में ये नहीं बन सकता, ना वो कैमरा बन सकता। अब एक एटम बम कैसे बना? एटम बम अल्लाह ने बनाया है, ये क्यू खान ने नहीं बनाया। 15,000 इंजीनियर, साइंसदान और टेक्नीशियन काम करते थे, ये सब ने एटम बम बनाया, ये क्यू खान ने नहीं बनाया। वहाँ पे मेज़ पे डॉक्टर साहब बैठे थे, 7-2 फौजी जर्नैल बैठे हुए थे आम का सिविलियन कपड़ों में। तो मेरे ख्याल से कुछ 2.5 घंटे वो डिनर हुआ है और 2.5। आप अकेले थे? मैं अकेला था। तो वो सवाल और जवाब ही होते रहे, एकदम सायरन बजने शुरू हो गए, एकदम मुबारक हो मुबारक हो। और बस लोगों का क्या जज्बा था उस टाइम जो अंदर काम कर रहे थे स्पेशली? नहीं, वो तो सब ना रहे तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे थे सब। वो भुट्टो की पीपल पार्टी और ज़िया-उल हक की वो आपस में झगड़। तो ज़िया-उल हक वहाँ चला गया क्रिकेट मैच के बहाने में, तो उसने उसको कहा कि अब इस गलत फहमी में ना रहना कि इंडिया हमला करेगा 65 वार की तरह या 71 की तरह और बॉर्डर क्रॉस करके अंदर चला जाए। तो इससे पहले कि तुम्हारी फौज बॉर्डर क्रॉस करे, तुम्हारे 5 बड़े शहर सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इलामा इकबाल का एक शेर है, अवान बाकी फौस्तान बाकी, अल हुक्म लिल्लाह अल हुक्म लिल्लाह। वो कहता है अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह का हुक्म रह जाएगा, अफगान रह जाएंगे और अफगानिस्तान के पहाड़ रह जाएंगे, बाकी यहाँ कोई चीज़ फतह नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अमेरिका ने बनाया एटम बम, इंग्लैंड ने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है, ठीक है, रशिया ने बनाया है, चाइना ने बनाया है, ठीक है, जर्मनी ने बनाया है, ठीक है, लेकिन उनके पास कई सौ सालों से एक साइंस की बेस पे, इंजीनियरिंग की बेस पे, कह लें रिसर्च की बेस पे चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान में तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। आप एक कार नहीं बना सकते पाकिस्तान, एक मोटरसाइकिल आप नहीं बना सकते पाकिस्तान। अभी कैसे हो सकता है कि आप एटम बम बनाएं, घोरी मिज़ाइल बनाएं, एंटी टैंक मिज़ाइल बनाएं, एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल बनाएं, मिज़ाइल वेपन्स बनाएँ और आप मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र वेपन्स बनाएँ, ये कैसे पॉसिबल है? अल्लाह की तरफ से मदद दो।